हेलो गाइस आई होप यू आल आर वेल गाइस आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 106 ये क्वेश्चन है हमारा अकाउंटिंग रेशियो से और ये क्वेश्चन बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो रेशो पर डिपेंडेंट uh, है बेसिकली और ये मैंने क्वेश्चन लिया टी एस ग्रेवाल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव एडिशन से और आपको ये क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर थ्री पॉइंट वन वन सिक्स पर सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स फॉर ट्रेड रिसीवेबल रेशियो देखो सबसे पहला केस है

एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स जो हमारे एवरेज टी आर्स हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है टीआर टी आर तो देखो नेट क्रेडिट सेल्स कितनी देर की कि हमें फोर टाइम्स फोर लैक्स और डिवाइडेड बाई वन वन लैख तो सीधा आंसर आ गया फोर टाइम्स ठीक है ये सबसे ईजीस्ट पार्ट है द आंसर विल बी फोर टाइम्स ठीक है गाइस ये हो गया हमारा फर्स्ट केस का आंसर अब हमारे पास है सेकेंड केस जिसमें हमें दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स हमेशा याद रखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड जब भी आता है ना उसका मतलब माइनस मतलब किया हुआ है सिक्स लैक्स ठीक है ओपनिंग ट्रेड रिसेबल्स है टू लैख और क्लोजिंग है सिक्स लैक्स ठीक है तो देखो सबसे पहले हमारी जो टोटल नेट सेल्स है उसमें से हम क्रेडिट सेल्स निकाल लेते हैं कैसे निकालेंगे देखो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कैश सेल्स कैश सेल्स को माइनस कर देते हैं ठीक है इजी टास्क है थर्टी लैक्स माइनस सिक्स लैक्स विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फोर लैक्स ये हो गई हमारी क्रेडिट सेल्स ट्वेंटी फोर लैक्स अब हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इस तरह से हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल लेंगे ओपनिंग ट्रेड रिसिवेबल्स प्लस

आ so, आ रही हमारी 24 ,00 ,00, और average trade आ रहे हैं 4 ,00 ,00. तो ये हमारा answer हो जाएगा गाईग, six times. हमेशा TR, TR, times की में आता है मतलब हमने टोटल ट्रेड रिबल्स को कितनी बार रोटेट किया साल भर में ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट केस इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रुपीज थ्री लैख ठीक है GP is 25% of cost. Cash sales is 20% of total sales. Opening trade receivables 50,000. closing trade receivables are 1 lakh. ये हमें दे रखा है total amount. अमाउंट ठीक है अब हमें क्या करना है देखो सबसे पहले कॉक्स हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है रुपीज थ्री लैक्स और हमें जीपी दे रखा है ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी परसेंट किसका कॉक्स का कॉस्ट का, का तो हम क्या करेंगे इसमें ही जीपी ऐड कर देंगे जीपी इज ट्वेंटी फाइव परसेंट तो थ्री लैख ,00 का ट्वेंटी फाइव परसेंट हो जाएगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है तो जब हम कॉस्ट में जीपी को ऐड कर देते हैं तो हमें सेल वैल्यू मिल जाती है मतलब हमारी नेट सेल्स कितनी है नेट सेल्स है हमारी थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड दिस इज नेट सेल्स ठीक अब हम बोले कैश सेल इज ट्वेंटी ऑफ द टोटल सेल्स अगर आपकी कैश सेल्स ट्वेंटी है टोटल सेल्स की तो क्रेडिट सेल्स कितनी होगी क्रेडिट सेल्स होगी आपकी 80 परसेंट क्रेडिट सेल्स वुड बी 80 परसेंट ऑफ टोटल सेल्स 80 परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे ये हमारी टोटल सेल्स है थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड इसका हम सीधा 80 परसेंट कर देंगे 80 परसेंट वुड भी तो हमारी क्रेडिट सेल्स आ जाएगी हमारे पास जस्ट वो थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड परसेंट इट वुड बी रुपीज थ्री लैक्स तीन लाख रुपए हमारी क्रेडिट सेल्स है ठीक है सॉरी थ्री लैख्स सो ये आगे हमारी थ्री लैख क्रेडिट सेल्स ठीक ये आगे हमारा एक फिगर अब हमें एवरेज निकालना है डिनोमीटर के लिए तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स वुड बी ओपनिंग है हमारे पास फिफ्टी थाउजेंड और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है वन लैख ठीक सो इट वुड बी डिवाइडेड बाय टू तो मतलब वन लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाई टू इट वुड बी सेवनटी फाइव थाउजेंड ये हो गया हमारा एवरेज ट्रेड रिस ठीक तो अब हमें सीधा टी आर टी आर निकालना है इट्स इजी ट्रेड रि टर्न ओवर रेश्स डिड बाई सेवनटी फाइव थाउजेंड तो सेवनटी फाइव एंड सेवनटी फाइव वन फिफ्टी तो हो गया ये फोर टाइम्स इट वुड बी फोर टाइम्स नेक्स्ट एंसर इज फोर टाइम्स अब देखते हम नेक्स्ट केस नेक्स्ट केस है हमारे पास केस नंबर फोर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉक्स इज फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड चार लाख पचास हजार दे रखा है जीपी इज जीपी ऑन सेल्स दे रखा ट्वेंटी परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट किसका है सेल्स का पिछले क्वेश्चन में था कॉस्ट का इसमें है सेल्स का कैश सेल्स इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स ओपनिंग ट्रेड रेसबल नाइनटी थाउजेंड क्लोजिंग ट्रेड रेसिबल्सेंड तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है इसमें और थोड़ा गेम है देखो कैसे सबसे पहले हमें कॉस्ट दे रखी है या कॉक्स हमें दे रखी है दैट इज रुपीज फोर लैख फोर्टी फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है और हमें जीपी दे रखा है जीपी पी इज ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल्स ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल्स अब देखो सेल्स का फिगर हमारे पास है नहीं तो हम जीपी कैसे पता लगाएं और जीपी को अगर हम कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे तो हमारे सेल्स का फिगर नहीं पता पड़ेगा तो हम यहाँ पे फंसे हुए तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लेट द सेल्स बी हंड्रेड जो फिगर नहीं दिया गया है ना आपको उसको हंड्रेड मान लो लेट द सेल्स बी हंड्रेड ठीक है इफ सेल्स अगर हंड्रेड है तो जीपी पी ट्वेंटी है तो लेस ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लो ग्रॉस प्रॉफिट कितना ट्वेंटी परसेंट है ट्वेंटी परसेंट मतलब हंड्रेड का ट्वेंटी ट्वेंटी हो जाएगा तो कॉस्ट कितनी है कॉस्ट आ गई एटी परसेंट दिस इज कॉक्स कॉक्स इज एटी परसेंट ठीक है इसका मतलब ये जो चार लाख पचास हजार का फिगर है ना दोस्तों ये एटी परसेंट है बेसिकली ठीक है दिस इज एटी परसेंट टोटल फिगर का एट्टी परसेंट तो हम लोग क्या करेंगे चार लाख पचास हजार को एट्टी परसेंट से डिवाइड करेंगे और हंड्रेड के मल्टीपल पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल्स आ जाएगी क्योंकि सेल्स को हमने हंड्रेड माना है तो सेल्स आ जाएगी हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे और एट्टी से डिवाइड करोगे तो फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय एटी परसेंट इट वुड बी सेल्स आ गई हमारे पास फाइव सिक्स टू फाइव डबल जीरो दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल्स ठीक है ये हो गया पांच लाख बासठ हजार पांच सौ ये सेल्स का अमाउंट आ गया अब हमें इसमें से निकालना है क्रेडिट सेल्स हमें कैश सेल्स का दे रखा है हम लोग कैश सेल हमें दिया है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स ठीक है तो हम क्रेडिट सेल्स को एक्स मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं लेट द क्रेडिट सेल्स बी एक्स लेट द क्रेडिट सेल्स बी

ठीक है अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं जैसे ट्वेंटी फाइव एक्स ऊपर इसको हंड्रेड एक्स हंड्रेड एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स अपॉन हंड्रेड इट वुड बी फाइव सिक्स टू फाइव डबल जीरो ठीक है तो वन ट्वेंटी फाइव एक्स अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू फाइव सिक्स टू फाइव डबल जीरो तो हम x का हो जाएगा x इज इक्वल टू फाइव सिक्स टू फाइव डबल जीरो फाइव लैख सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी फाइव इसे हमें सॉल्व करना है ठीक है तो इट वुड बी डिड बाई वन ट्वेंटी फाइव ये हो जाएगा फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड तो x आ गया हमारे पास फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड हमने x इसको माना था क्रेडिट सेल्स को तो क्रेडिट सेल्स आ गई हमारे पास फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड बस सिंपल हो गया हमारा क्रेडिट सेल्स आ गई हमें अब टी आर इजीली निकल जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है नाइन्टी और क्लोजिंग है सिक्सटी तो एवरेज निकाल लेते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स वुड बी नाइन्टी प्लस सिक्सटी इट वुड बी वन डिवाइडेड बाई टू तो वन डिवाइडेड बाई टू वुड बी सेवेंटी

If you liked my teaching, please subscribe my channel. Thank you very much. Goodbye. We'll meet in the next lecture. Thank you.